नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मान्यता है कि नवरात्रों पे देवी का स्वरूप माना जाता है छोटी बच्चियों को। इस बात को तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, कुछ खास जीनियस बच्चियों को हम नवरात्र में आपके सामने लेकर आएंगे, उसी की शुरुआत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जैसे आप देख सकते हैं, आरना। आरना 9 साल की है और ऐसा माना जा रहा है कि ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट टैरो रीडर है। ये टैरो रीडर होने के साथ साथ फेस रीडिंग भी करती है। ये 5th स्टैंडर्ड में है और उसके बावजूद भी इनके जानकारों का मानना है कि ये टैरो बहुत एक्यूरेसी से करती है। तो आइए आरना से ही बात करते हैं। आरना, वेलकम टू आवर शो। थैंक्स। ये टेबल पे क्या रखा हुआ है? ये टैरोज हैं। टैरोज हैं? ओह, तो आप इसका सवाल का जवाब देती हैं हमारे? यस। मैं जो सवाल पूछूंगी आप जवाब देंगी? यस। तो निकालिए कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। अरे वाह, देखिए ये शफलिंग कर रही है कार्ड्स की। अच्छा, अब ये जो कर रही हैं, ये नेगेटिविटी बाहर निकाल रही हैं कार्ड्स की। तो पूरी अपनी एक्सपर्टाइज के साथ हमारे लिए टैरो कर रही हैं और ये निकालने वाली हैं कि इस समय मैं क्या सोच रही हूँ। देखिए, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लाइक मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। हाँ। ये तो हूँ मैं, जब अपने व्यूअर्स के साथ बात करती हूँ तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। जरा दिखाएं क्या कार्ड है। ओ वाओ, और क्या लग रहा है इसको देखकर? इससे लग रहा है कि इसके पास कितनी चीजें हैं, पर ये हर किसी के साथ बांटना चाहता है और ये बहुत हैप्पी है इन चीजों के। तो ऐसा कौन सोच रहा है? आप। ओ ठीक है, आरना आपकी एक्यूरेसी तो बहुत कमाल की है। आरना में क्या क्या खास चीजें हैं और आप अपने बच्चे को कैसे जीनियस बना सकते हैं, ये आपको मैं आगे बताऊंगी। लेकिन पहले नवरात्र उत्सव की बात करते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचर्य की कृपा पानी है, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा गुलाब का फूल। ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। नवरात्र में ये कैसे होगा आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले माँ की पूजा का तरीका तो जानिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपको एक दिन एडवांस में बताएंगे ताकि आप अगले दिन की पूजा जो है वो अच्छे से कर सके। तो कल आपको पूजा करनी है माँ ब्रह्मचर्य की, लेकिन कैसे करनी है ये तो हम जानेंगे। तो सुबह नहाकर आपको माँ की पूजा करनी है, ये बात तो तय है। शंख जरूर बजाना है और उन्हें गुलाब और कमल के फूल जरूर चढ़ाएं, साथ में धूप जरूर जलाएं, पान और फल उनके आगे अर्पित करें, फिर आरती करें, प्रसाद का भोग लगाएं और सब में बांट दें। जो आप कपड़ों का रंग चुनें ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि कल माँ ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए आप ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। माँ को कौन सा भोग लगाना है और कौन सा फूल चढ़ाना है ये तो मैं आपको अभी बताऊंगी 2 मिनट के अंदर। लेकिन पहले जो हमारे साथ सबसे छोटी टैरो रीडर आरना जुड़ी है, जरा इनसे बात करते हैं। आरना, मैंने ऐसा सुना है कि आप फेस रीडिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, तो जरा कुछ मेरी फेस रीडिंग कीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपका काम में बहुत ध्यान है। मेरा काम में ध्यान है? आपको बहुत लग्जरीज का शौक है। मुझे लग्जरीज का शौक है? भाई आप तो ऐसे मेरे व्यूअर्स को मेरे बारे में ऐसी बात बताएं। पर बात ठीक है, मुझे लग्जरीज का शौक है। और बताइए आप, मतलब पूरी आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? मैं दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ। और बताइए। और पर बात ठीक है, मुझे लग्जरीज का शौक है। और बताइए आप, मतलब पूरी आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? मैं दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ। और बताइए। और आप पैसे सोच समझ के खर्च करती? मैं पैसे सोच समझ के खर्च करती? भाई हम और बात नहीं करेंगे, सारी पोले खोल देती हैं। भाई आरना मेरी पोल खोल रही है, इसलिए अभी हम उससे बात नहीं करते हैं। मैं आपको उपाय बताती हूँ, लेकिन बीच बीच में हम आरना से बात जरूर करेंगे। तो इस सिक्का है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है, माँ ब्रह्मचर्य की आपको कृपा दिला सकता है, पैसे कमाने में भी मदद करेगा। इसकी बात मैं आगे करूंगी, लेकिन पहले माँ के स्वरूप की बात करते हैं। माँ ब्रह्मचर्य का जो रूप है उसमें दाएं हाथ में जपमाला
होती है कमल का फूल और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए होती हैं। माँ ने भगवंगा रंग का यानी कि ऑरेंजिश रंग का किनारी वाला साड़ी पहना होता है, ये आम फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे। उनके गले में रुद्राक्ष है और ये प्रेम का भी एक प्रतीक है जिस तरीके से उन्होंने पहने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ को ब्रह्मचारिणी क्यों कहा जाता है? पिछले जन्म में माँ ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, फिर नारद जी के उपदेश देने से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी, तो उन्होंने हजारों वर्ष तक फल और फूल खाए, फिर 100 वर्षों तक जमीन पर जो गिरे हुए शाख होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें खाया। तो ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, और इसलिए ब्रह्म का आचरण करने वाली यानी कि ब्रह्म को फॉलो करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हमें क्या क्या मिलता है सुनिए। इनकी उपासना से अगर आपका प्यार बिछड़ा हुआ है तो माँ की उपासना से मिल जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है, आप थोड़े ज्यादा सेल्फिश हैं, तो आ जाएगा। अगर आपको लगता है आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, आपकी अटैचमेंट आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो वैराग मिल सकता है। और साधना मिलती है यानी कि किसी भी चीज को सरल भाषा में कहूँ तो कंसंट्रेशन की पावर मिलती है माँ ब्रह्मचारिणी से। तो आपका देवी का जो मंत्र है खास तौर पर उसको बच्चों से पढ़वाएं, क्या मंत्र है ध्यान से सुनिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, इसका 108 बार खुद भी जाप करें, बच्चों से भी कराएं। बच्चों से याद आया जरा फटाफट आराधना से बढ़वाते हैं ये मंत्र। आराधना एक मंत्र है, ये आपको बोलना है और 108 टाइम्स बोलना है, और हमारे व्यूअर्स को बोल के दिखाएं कि आप कैसे बोलेंगे ये मंत्र। बोलिए ओम देवी। ओम देवी। जोर से बोलिए आना। ओम देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। वेरी गुड। तो आप लोगों को भी अपने बच्चे से 108 बार इस मंत्र को बढ़वाना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आए, आपके बच्चे सही दिशा में जाएं, तो अपने बच्चों के घर में, अपने बच्चों के रूम में, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में ये मंत्र लिखिए और बच्चों को बोलिए नॉर्थ ईस्ट में खड़े होकर ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें। खास तौर पे कल के दिन तो इसका बहुत फल मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि माँ की कृपा पाने के लिए आपको किस तरीके से रंगोली बनानी है। आप देख सकते हैं कि एक चित्र आपके पास आ रहा है, इसमें ऑरेंज रंग के साथ आप बाकी रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज को प्राइम कलर रखें और ये रंगोली घर के अंदर जरूर बनाएं या घर के मेन दरवाजे पर जरूर बनाएं। माँ आपके घर चल कर आएंगी। और माँ की पूजा कैसे करनी है जानते हैं आप? माँ को कमल का या गुलाब का फूल भेंट करें। इनकी संख्या रहनी चाहिए, फ्लावर की संख्या रहनी चाहिए या 1 या 11 या 21, 51 या फिर 108 फूल। अब अगर फल की बात करें तो मौसम का कोई भी फल आप माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ को भोग लगा सकते हैं। आज के दिन उपवास रखने के बाद माता के चरणों में चीनी और फल का भोग जरूर लगाना है। अब जो मैं आपको फल फूल बता रही हूँ उसके फायदे भी सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि माँ को आज कमल का और गुलाब का फूल चढ़ाना है, तो कमल का फूल कितना फायदेमंद है ये सुनिए। कमल जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कमल देखिए है ना कितना कमाल का फूल। और जो कमल के फूल के बीज हैं यानी कि जो लोटस के बीज हैं वो क्या काम करते हैं, वो एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं यानी कि हमारी स्किन को क्लीन करते हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं। तो हमारे स्प्लीन के लिए, किडनी के लिए और हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो कमल के फूल के पत्ते होते हैं ये तो आपको पता ही नहीं कि वो कितने फायदेमंद होते हैं। वो हार्ट और किडनी तो अच्छा रखते हैं, साथ में अगर आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसमें भी मददगार होते हैं। और जो कमल का फूल है ना वो दिल के रोगियों के लिए तो टॉनिक का काम करता है। तो देखिए फूल कितने खास होते हैं। और अगर फूल के कुछ हिस्से से आप उसका सेवन करते हैं, उबाल कर पीते हैं, तो आपको पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या आपको ब्लड का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है या पेट में गैस वाले अल्सर्स हैं तो ये सारी चीजें लोटस के फूल से कंट्रोल हो जाती हैं। और जो लोटस के फूल की जड़ है यानी कि कमल के फूल की जो जड़ है उससे डायरिया जैसी बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। तो कितने काम का है फूल जो आप माँ को दे रहे हैं, देखिए तो सही वो आपके कितने रोगों को दूर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे फूल के बारे में यानी कि गुलाब के फूल के बारे में। तो जो गुलाब के फूल का पानी होता है यानी कि जिसको हम रोज वाटर बोलते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
गुलाब की पत्तियों से अगर आप चाय पीते हैं, उसकी पत्तियों को उबाल कर चाय पीते हैं, ग्रीन टी में डालकर पीते हैं, तो आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर साफ होता है। यानी कि अगर आपके घर में किसी को अल्कोहल पीने की बहुत बुरी आदत है, बीमारी है, तो उनकी चाय में आप थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां जरूर डाला करें। अच्छा, जो गुलाब की पत्तियों वाली चाय है वो हमारी बॉडी को ठंडक देती है। बुखार में अगर रैशेस हो जाते हैं तो वो भी ठीक करती है। अगर गला खराब है, इन्फेक्शन है, तो भी गुलाब के पत्तों की चाय पीने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चलिए, अब आना से वापस बात करने का वक्त आ गया है। तो आना, क्योंकि आप सबसे छोटी टैरो रीडर है, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मुझे एक कार्ड निकालिए और उसका मतलब बताइए जरा। The Hangman, जरा व्यूअर्स को दिखाएं क्या कार्ड है। अगर हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। ये क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेडिटेशन। दिखाइए उधर। ये मेडिटेशन कर रहे हैं उल्टे लटक के। यस। अच्छा, तो उल्टे लटक कर मेडिटेशन करने से क्या होता है? मतलब आप इनके फेस में कोई दुख देख पा रही है? नहीं, देख तो नहीं पा रही हूँ। देखिए। नहीं देख पा रही। तो उधर देखिए, व्यूअर्स देखिए। इससे ये पता चलता है कि ये इतनी सी डंडी पे ये कैसे हैंग हो पाता है। अगर इसे इतना शौक है इन चीजों का तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपका मतलब है ये मेडिटेशन कर रहे हैं और इनको मेडिटेशन करने में मजा आ रहा है। और आपने ये भी कहा कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस करने से हमें फल जरूर मिलता है। बड़ी समझदारी की बात कही आपने। तो आप मेडिटेट करती हैं, टैरो करती हैं, मेडिटेशन करती हैं? आप मेडिटेशन करती हैं, कैसे करती हैं बताएं व्यूअर्स को। मैं गॉड से अपना कोई भी अपने दिल की बात पूछती हूँ, मेरा जो भी कार्ड आता है, ठीक है, एनी कार्ड तो मैं उसे रात को पिल्लो के नीचे रख के सो जाती हूँ। तो आप पिल्लो के नीचे कार्ड, वही मेरी मेडिटेशन होती है। वंडरफुल, अमेजिंग। तो आना, हम आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने व्यूअर्स को रेमेडीज बता दूं। आरना इतनी जीनियस कैसे है, आपके बच्चे कैसे आरना की तरह जीनियस बन सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। 9 साल की नन्ही आरना जीनियस कैसे रहस्य भरी चीजों को जानती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले माँ ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। माँ ब्रह्मचर्य का ध्यान करते हुए 7 शुक्रवार 7 सुहागनों को आप अपने घर की लक्ष्मी, मतलब 7 सुहागनों को मिलाकर प्लस अपने घर की लक्ष्मी, यानी कि ये काम आपके हस्बैंड को करना है, पत्नी के माध्यम से लाल वस्तुएं उपहार में दें। इसमें खाने की मिठाई खास तौर पर छेने या फिर अनार या फिर इत्र हो सकती है, ये 3 चीजों में से एक चीज जरूर होनी है। इससे क्या फल मिलेगा सुनिए अभी। तो शुक्रवार को आप किसी नॉन मैरिड फीमेल से को खाना पिलाना खिलाकर अच्छे से कर और उससे आप ये कहें कि आप मुझे अपने बदले में, मतलब जैसे कोई घर में भाभी हो, कोई पड़ोस की लेडी हो, उसकी सेवा करें, उसको खाने पीने का सामान दें, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, और उनसे एक सिक्का मांग लें। बस ये एक सिक्का जो है, ये सिक्का आपको लाल कपड़े में बांधकर और किसी सुहागन स्त्री से लेकर इसको अपने कैश बॉक्स में रख देना है। और सुहागन को आपको सामग्री देनी है। क्या सामग्री देनी है? सुहाग के समक की सामग्री दान में देनी है। अनार भी दे सकते हैं, इत्र भी दे सकते हैं, लेकिन चूड़ी, कंगन, बिंदिया, ये सब कुछ तो जरूर दें। भाई, आगे माँ ब्रह्मचारिणी से कैसे आप अपनी लव लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन अब वक्त आ गया है आरना के पास जाने का। चलिए आरना से बात करते हैं। आरना, आप इतनी प्यारी हैं, क्या आपके कोई घर में नजर उतारता है? Yes, कौन उतारता है? मेरी मम्मा। क्या करती हैं आपकी नजर उतारने के लिए? वो सॉल्ट को हाथ में लेके, सॉल्ट को लेती है, नमक को? हाँ, मेरे हेड के ऑल राउंड 3 राउंड्स लगा के फ्लश पे कर देती है। ओके, फ्लश कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, लाल मिर्ची हाथों में लेके, लाल मिर्ची लेके ऑल राउंड हेड के आसपास 3 राउंड्स बर्न कर देती है। तो ये करने से पूरी नजर उतर जाती है। आपको पता है कि आपको नजर लग जाती है। कितनी कॉन्फिडेंट है आप खुद को लेकर। चलिए, एक और कार्ड निकालिए और हमें मतलब बताइए। मुझे मजा आ रहा है आपसे नई नई चीजें सीखने में। ये चीयर्स कर रहे हैं। चीयर्स को दिखाइए कार्ड। ये चीयर्स कर रहे हैं, लाइक आप भी देख रहे हैं कि ये 3 फ्रेंड्स कितने मजे कर रहे हैं, कितना अच्छी तरह फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं, कितना चिल मार रहे हैं। ये लोग चीयर कर रहे हैं कि बिकॉज दे आर
वेरी हैप्पी. ओके, सो आर वी हैप्पी. हम भी चिल कर रहे हैं. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ की कृपा पाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, लव लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं. आधा के बाद हम फिर थोड़ी देर में वापस आएंगे. तो जानते हैं कल के दिन आपको क्या खास करना चाहिए. कल यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के लिए आपको जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनको सफेद कपड़े पहनकर, पूरे नहीं पहन सकते सफेद, कुछ हिस्सा सफेद पहन लीजिए, उसके साथ में हरी चूड़ियां पहनकर माँ को अनार का भोग लगाना चाहिए. बाद में अनार का प्रसाद घर लाकर खुद खाएं, किसी और को नहीं खिलाएं. इससे आपको मनचाहा प्यार मिलेगा, जिसको आप चाहती हैं वो आपको मिलेगा. और अगर लड़का, मतलब अगर कोई मेल है तो वो क्या करे, तो वो पन्ना धारण कर सकता है और माँ को पहले भेंट करे और फिर उस पन्ने को पहने. उसके लिए उसको, जो उसकी मनपसंद लड़की है, उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हैं. केले में गौरोचन मिलाकर, गौरोचन आपको मिल जाएगा आयुर्वेदिक दुकान में, एक लेप बना लें, उसे सिर पर लगाएं, बाद में धो लें. इसे आप अपने प्यार को, अगर आप इतनी सी डॉट लगाकर भी चले जाते हैं ना, और अपने जिसको आप चाहते हैं उसके सामने चले जाते हैं, तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा. तो सारी वाइफ्स जिनके हस्बैंड उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये काम जरूर कीजिए. जानते हैं आप और क्या कर सकते हैं. नारियल, धतूरे के बीज और कपूर को पीस लें, इसमें शहद मिलाकर रोज इसका तिलक करें, इससे आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा. चलिए चलिए चलिए, जरा ध्यान मेरी तरफ लाइए. सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार कैसे बढ़े उसके लिए उपाय बताती हूँ. माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर भोजन बनाएं, माँ को भोग लगाएं, उन्हीं को भोग लगाया हुआ भोजन अपने खाने में मिला दें, और आप अपने हस्बैंड वाइफ एक साथ एक थाली में एक दूसरे को वो भोजन शेयर कर खाएं, और माँ ब्रह्मचारिणी आपकी जिंदगी में प्यार को वापस ले आएंगी. चलिए वक्त आ गया है वापस से आरना से बातचीत करने का. आरना, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? यस. आप हमारे व्यूअर्स को कुछ फेस रीडिंग सिखाएंगे ताकि बाकी बच्चे भी आपसे कुछ सीख सकें, कुछ इंस्पिरेशन ले सकें. कुछ फेस रीडिंग की टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स को. आईब्रोज के बारे में. आईब्रोज के बारे में, वाओ. जिनका ये बहुत ओपन होता है. ओपन मतलब जिनका ये गैप ज्यादा होता है. अच्छा. बहुत ओपन माइंडेड होते हैं. ओपन माइंडेड होते हैं. अच्छा, मतलब अगर ये गैप ज्यादा है तो वो ओपन माइंडेड होंगे. yes. और अगर ये गैप कम होता जाए तो नैरो माइंडेड, तो वो नैरो माइंडेड होंगे. सुना आपने, आरना का कहना है कि अगर ये गैप ज्यादा है तो वो ओपन माइंडेड होंगे, और अगर ये कम है तो वो नैरो माइंडेड होंगे. इंटरेस्टिंग. एक और टिप दे दीजिए. जिनका नोज यहाँ से बहुत लंबा होता है. जिनका नोज यहाँ से बहुत लंबा होता है वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं. अच्छा, जिनका नोज यहाँ से बहुत लंबा होता है वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना की कोशिश करते हैं. ऐसा और जिनका छोटा होता है. जिनका छोटा होता है, जैसे आरना का छोटा है. वो सोचते कि जैसा चल रहा है वैसे चलने. तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने आरना का चार्ट देखा. आरना की डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 2004. उनका जन्म समय है 12 बज के 17 मिनट. तो उनके चार्ट में मैंने कुछ खास बातें देखी, जिनमें सबसे खास बात ये है कि उन पर ईश्वर की कृपा है. तो आपके बच्चे पर कैसे ईश्वर की कृपा हो सकती है ये जानेंगे. आपने अपना पेन पेपर रेडी रखा है ना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा हमारे स्पेशल गेस्ट जैसे, यानी कि आरना जैसे कैसे बन सकता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरना के ऊपर ईश्वर की कृपा है. ईश्वर की कृपा कहाँ होती है, हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में. तो अगर बाय डिफॉल्ट आपके बच्चों की स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में लग जाए, जो कि मैंने आरना के घर में जाकर चेक करवाया, तो अगर आपके बच्चे की स्टडी टेबल घर के नॉर्थ ईस्ट में हो, वहीं पर बच्चे की बुक्स हो, और बच्चा नॉर्थ ईस्ट में बैठकर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा कर पढ़े, तो आपके बच्चे पर ईश्वर की कृपा रहती है. वो थोड़े एफर्ट के साथ भी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है. तो ऐसा ही हो, और बच्चा नॉर्थ ईस्ट में बैठकर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा कर पढ़े, तो आपके बच्चे पर ईश्वर की कृपा रहती है. वो थोड़े एफर्ट के साथ भी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है. तो ऐसा ही अगर आप अपने बच्चे के साथ करें, तो आपके बच्चे पर भी ईश्वर की ऐसी ही कृपा प्राप्त होगी. साथ साथ आपके बच्चे स्पिरिचुअल भी होंगे और आपका कहना भी मानेंगे.
अभी आराधना से हमारी एक आधी बातचीत और बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लाल रंग जो मैंने आपको कहा था, ये लाल रंग आपकी जिंदगी में कैसे लाली ला सकता है, कैसे आपकी लव लाइफ को बेहतर कर सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कपल का बेडरूम अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे उनके बीच प्यार तो बढ़ता ही है। लेकिन फिर लाल रंग की बात कहाँ से आई भाई, अगर आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में लाल रंग में अपने हस्बैंड और अपनी फोटोग्राफ लगाते हैं तो आप दुनिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट कपल बन जाएंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पर साउथ में और साउथ वेस्ट में जो शेप्स हैं वो स्क्वायर रेक्टेंगल होनी चाहिए, मगर अगर लाल रंग की हैं, स्क्वायर जैसे स्क्वायर कुशन्स रख सकते हैं, स्क्वायर शेप की कैंडल्स रख सकते हैं, इससे आपकी लव लाइफ हो जाएगी बेहतर। कमरे में लाइट लगाएं तो क्या करें, कमरे में रेड कलर का 0 वॉट का बल्ब लगाएं, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर नहीं होंगे, प्यार और पैशन बढ़ता चला जाएगा। कपल के कमरे में खुले मिरर नहीं होने चाहिए, मिरर को हमेशा ढककर रखें, और जब ढकें तो लाल रंग की चुन्नी से ढक दें, इससे भी आप लोगों के झगड़े कम हो जाएंगे। बस शीशे में बेड नहीं दिखे इसका ध्यान रखें। वैसे तो आपको रोजाना कमरे में फ्रेश फ्लावर रखने चाहिए, लेकिन नहीं रख सके तो शुक्रवार के दिन कमरे में चाहे 2 लाल गुलाब के फूल रख दीजिए, इससे आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। और रिश्ते को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट हैंड साइड पर सोना चाहिए, जहाँ गड़बड़ होती है ना, वाइफ डोमिनेटिंग होती है, ऐसे करो ऐसे मत करो, इधर बैठो इधर मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, आप नोटिस कीजिए कि 80% वाइफ हस्बैंड के राइट पर बैठती होगी या सोती होगी। राइट का जो स्थान है वो तो माँ का स्थान है, और अगर वाइफ माँ जैसे बिहेव करने लगेगी तो रोमांस तो गायब हो जाएगा ना। तो वाइफ को हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट पर रहना है, और अगर सोते समय वाइफ अपने मांग में सिंदूर लगाकर यानी कि लाल रंग लगाकर लेफ्ट पर सोती हैं तो हस्बैंड उनके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। और क्या करना चाहिए कि उनको अपने कमरे में रेड क्विल्ट, रेड गलीचे, रेड पर्दों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लव लाइफ बेहतर हो सके। रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग बेटर होने के लिए क्या करें, ध्यान से सुनिए। अपने कमरे में क्रिस्टल रखें, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज जो कि पिंकिश स्टोन का होता है, इससे आपकी लव लाइफ हो जाएगी A1। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूँ। जानते हैं, मैंने अभी नोटिस किया कि आरना का साइन जो है वो बड़ा स्पेशल है। मैं हर बार जोर देती हूँ बच्चों की और आपकी हैंडराइटिंग पर। अब देखिए बच्चों के अंदर हैंडराइटिंग कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके सिग्नेचर से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर आप क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ला सकते हैं आरना के सिग्नेचर्स। जैसे ध्यान से सुनिए, आरना बेटा अपने सिग्नेचर्स दिखाइए स्क्रीन पर व्यूअर्स को, थोड़ा हाथ नीचे रखिए। हाँ, जैसे कि अब आप देख सकते हैं इनके सिग्नेचर में इनका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कितना बड़ा है, ए आप देखिए कितना बड़ा है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपकी हस्ताक्षर जो है ये आपकी पर्सनालिटी, जैसा आप लोगों के आगे खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपका पहला अल्फाबेट जितना बड़ा होगा, जैसे आरना का देखिए ह्यूज एक कितना बड़ा है, उतनी ही ज्यादा ये एक्स्ट्रोवर्ट है, उतनी ही ज्यादा इसको सोशली अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद है। आप अपने बच्चे के सिग्नेचर का फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा कराएं, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सोशल हो या उसको मीडिया से गेन हो। अब आप देख सकते हैं आरना के सिग्नेचर से बाकी नाम जो है AA RNA का ARNA जो है वो छोटा है, ये छोटा जो है वो उसको मॉडेस्ट रखता है, जमीन से ग्राउंडेड रखता है। फिर देखिए इनके ए में एक बहुत स्पेशल बात है, आप देख सकते हैं आरना प्लीज सिग्नेचर व्यूअर्स को दिखाएं। इनके ए में एक स्पेशल बात है कि ऊपर जो है एक लूप बन रहा है ए के ऊपर, आरना व्यूअर्स को दिखाएं प्लीज, एक लूप बन रहा है ऊपर, ये लूप जो है ये इनको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के पहले आय में या शब्द में, पहले सिग्नेचर में या सिर्फ आय में भी अगर एक लूप बनवा देते हैं, एच में एक लूप बनवा देते हैं, तो आपके बच्चे भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं।